are dealing right now with the introduction of this unit. It is about a nation's strength. It is a poem. ये क्या है पढ़िए नज़म है. It has been written by William Ralph Emerson. William Ralph इन्हीं के नाम से हमारे मुल्तान में एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी बन रही है. पता है कौन सी? एमर्सन यूनिवर्सिटी. उसके लिए जगह दी थी वो इन्होंने ही दी थी मालवन. अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन आ रहा है कि नेशन के साथ एस लगाया हुआ है, लेकिन ये एस नेशन को जमा नहीं करता. ये वो एस नहीं है. वैसे तो कॉमन क्या होता है कि किसी वर्ड के साथ एस लगा तो उसका प्लूरल बन जाता है. बॉय बॉयज जमा बन गया, प्लूरल बन जाता है. लेकिन जब इस तरह से एस लगाया जाए कि एस से पहले ये निशान, तो ये जमा नहीं बनाता. पहले तो ये निशान क्या है? क्या ये कॉमन है? अक्सर बच्चे इसको क्या करते हैं? कॉमा तो रहता है. ये कॉमा नहीं है, आपका स्ट्रॉक है. ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन काम क्या है? इसका इसका काम ये है, ये जब भी किसी नाउन, ये तो ये नाउन के साथ आता है. किसके साथ आता है? नाउन के साथ भी आता है, और समटाइम्स ये वर्ब के साथ भी आता है, ईएस के साथ. जैसे 1950s उसमें भी दिया बस स्ट्रॉक ही आता, सिर्फ एस आता है. ये 1950 की बात है, लेकिन 50 से लेकर 59 तक सारे साल आ जाते हैं इसमें. खैर वो अलग एक इशू है. हम इस कोमे का मतलब बता रहे हैं कि इसको कहते हैं आपका स्ट्रॉक, और इसका फंक्शन होता है कि ये पोजेशन को शो करता है. किस चीज को? पोजेशन. व्हाट डू यू मीन बाय पोजेशन? पोजेशन किसे कहते हैं? मलकियत. पोजेशन का मतलब क्या होता है? मलकियत. जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अलीज कार, इसका मतलब क्या होगा? अली कार. इसके ट्रांसलेशन करते हैं ना इस एस की, तो इसके ट्रांसलेशन इस एपोस्ट्रॉफ की वजह से होती है. कार की या के, एक और लव भी होता है जिसकी ट्रांसलेशन ये नहीं होती है. कार की ये दो बहुत अलग है, ऑफ का वर्ड है, इसकी ट्रांसलेशन भी यही होती है. कार की या के, ज्यादातर ज्यादा चीजों के साथ बाकी चीजों में ओफ का इस्तेमाल किया जाता है. अच्छा, असल चीज जो हमने पढ़ी है इसमें लव है स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? जैसे लिखते जो ठीक है ना भी लिखे तो अंडरस्टूड है. तो इसलिए कोम की ताकत, आर नेशन स्ट्रेंथ की ये ट्रांसलेशन हो गई. असल में हमारा टॉपिक है आपका वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ नेशन, हाउ डू नेशंस बिकम, कोमे बनती कैसे हैं. द वेरी कॉमन थॉट इन अवर सोसाइटी व्हाट वी पीपल आर फेसिंग इन दीस डेज इज considered as one. If you see, अगर अपनी सोसाइटी में देखें, यहाँ पर cheating, bribery, telling a lie and dodging others is considered a good job. Everyone is doing. Backbiting कर रही हैं और इसके अलावा abusing कर रही हैं, कह रहे हैं ना. और हम कहते हैं कि हम एक होम है. होम के अंदर ये चीजें होती हैं. No. हम कौम भी हैं और हम अपने आप को बहसियत को एक मुसलमान कहते हैं. ऐसी है जो कि जन्नत के ठेकेदार हैं और दुनिया भी सारे उन्हीं के पास है. ऐसे ना, अकॉर्डिंग टू अवर स्कॉलर्स वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैराडाइज, के हमारे लिए ही बनाई गई है वो. चलिए बताएं, जो दो झूठ बोलते हैं क्या वो जन्नत में जाए? No. देखते हैं नफरत को फैलाते हैं, आपस में दूसरे के साथ हसद करना सिखाते हैं, क्या वो जन्नत के ठेकेदार हो सकते हैं? अल्लाह के सलाम के सामने मैंने आपको पहले बताया था, एक औरत का किस्सा बयान किया गया कि वो
तहज्जुद भी पढ़ती है, नमाजें भी सारी पढ़ती है, सहावत भी बहुत ज्यादा करती है, जिक्र अज़कार भी, हज भी, सारी तस्बीहात करती है, ज़बान की तीखी है, ज़बान की जब भी बोलती है लोगों का दिल दुखाती है, इसका हाल बयान फरमा दीजिए आपने फरमाया कि जहन्नमी है। आप बताइए एक और हुन का हाल बयान के कि कितना इतनी ज्यादा नमाजें पढ़ती है ना, इतना जिक्र अस्कार बस फर्ज फर्ज अदा हो जाते हैं, लेकिन जबान की नीति है, लोगों का दिल नहीं दुखाती, फरमा ये जन्नती है, तो कितना बड़ा अमल चाहिए। इसी तरह हमारे ये अमाल है बड़े, बीइंग नेशन हमारे अंदर जो चीजें होनी चाहिए क्या वो हमारे अंदर है? पहली चीज क्या हमारे अंदर ट्रूथफुलनेस है, सच्चाई, रासबाजी, क्या हमारे अंदर फेथफुलनेस है? नो। कहाँ पर है? नो। नहीं पाई जाती। अगर होती तो पिछले तीन दिन आपके सामने गुजरे हैं, 9, 10, 11, 12 भाई आप में से हर शख्स देखें आपस में नजरियात का इख्तलाफ होता है, सियासी तौर पर इख्तलाफ होता है, मजहबी अकायद की वजह से भी नजरियात का इख्तलाफ होता है, माशी तौर पर भी ठीक है, समाजी तौर पर भी हमारे नजरियात दूसरों से अलग होते हैं, लेकिन इसका हर किसी का मकसद नहीं कि हम किसी की जान माल उसकी जायदाद का नुकसान हो जाए। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि मुसलमान की जान, उसका माल और उसका खून ऐसे ही मुकद्दस है जैसे मक्का मुकर्रमा मदीना मुकर्रमा मुकद्दस शहर है बड़े, जैसे कि ये ज़ुल्हिज्जा का महीना मुकद्दस होता है। अगर किसी की अब मुसलमान अपनी जान पर भी जुल्म नहीं कर सकता, ये नहीं है कि मेरी जान पर जो मर्जी करो और कोई दूसरा भी उसकी जान के ऊपर इस तरह से, चाहे वो हिंदू है, काफिर है, जो मर्जी है, किसी की जान, किसी का खून, किसी के माल के ऊपर इस तरह से ज्यादती करना, उसको पकड़ के जला देना, तोड़ देना, खराब कर देना, क्या है जी हमारा नजरिया इससे नहीं मिलता। नजरिया का इख्तलाफ ये बेटा नेचुरल है, बाय बर्थ है और टिल डेथ है, ये रहिएगा, लेकिन इख्तलाफ का इजहार इस तरह से ना किया जाए कि हमारी कौम जिसको हम लोग कहते हैं लोग इसको देखकर मजाक उड़ाए, कि अगर ऐसी कौम होती है तो हम इससे बचे। हम में से हर शख्स क्या चाहते हैं? अजाब बनाए, अमेरिका जाना चाहते हैं, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है वी पीपल वांट टू गो देयर, व्हाई? बिकॉज़ देयर इज जस्टिस, वहां पर इक्वालिटी है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये छोटा है, ये काला है, ये मुसलमान है, ये काफिर है, इस बुनियाद पर फैसले नहीं करते वो लोग, ये हमारा सिटीजन है, इसलिए इसको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, वो इक्वालिटी है, वो जस्टिस है, वहां पर फ्रीडम ऑफ थॉट है बड़ी, इस वजह से हम चाहते हैं कि वहां जाए, और हम यहाँ पर अपने आप को बहुत बड़ा जो है वो प्रॉस्पर कहते हैं, लेकिन हमारे अंदर किसी किस्म का कोई फलसफा नहीं, किसी किस्म की कोई लॉयलिटी नहीं, फेथफुलनेस नहीं, ट्रूथफुलनेस नहीं, ऑनेस्टी नहीं हमारे अंदर, हम में से हर शख्स अपना जो है अच्छा बनना, लेकिन दूसरों के नजर में बस आर्टिफिशियल। देखिए सबसे बड़ी इंसान की जो पहचान होती है वो इख्लाक क्या होती है, इंसानियत की पहचान किस चीज से है बेटा? आप ये ना देखें वो गोरा है या काला है, वो अमीर है या गरीब है, वो काफिर है या मुसलमान है, बस वो इंसान जो है ना, वो इंसान है, उसकी इंसानियत की वजह से उसकी इंडिविजुअल रिस्पेक्ट करना सीखें। केयरफुल एटीट्यूड, लेकिन आप जब भी आपको कोई शख्स पसंद करता है किस बुनियाद पे? आपके पास पैसा ज्यादा, इस वजह से? यस यस, ये सारी चीजें हैं, असल चीज आपका केयरफुल एटीट्यूड है, ये बड़े ख्याल से बात करते हैं, लोगों का ख्याल करते हैं, चीजों का ख्याल करते हैं, अदब एहतराम करते हैं, इस वजह से आप ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, चाहे फिर आप गरीबी क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी सोसाइटी से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, लेकिन आपकी इन आदतों की वजह से आपकी पहचान और आपकी अट्रैक्शन बढ़ती है, तो एक कौम की पहचान जो है
वो इन्हीं चीजों के साथ है। अगर ये चीजें हैं तो वो कोम भी है और वो ताकतवर कोम भी हो सकती है। अगर ये चीजें निकाल दो वहां पर ना इंसाफ की जुल्म नफरत और ये इस तरह के फितना फसाद फैला दी है कि वो कोम नहीं है। ताकत तो दूर रह गई, वो कोम ही नहीं है। कोम की किसी डेफिनेशन में भी नहीं आती। This is the very lesson we people are about to start a nation strength, जिसके अंदर पॉइंट ये चीज बताता है, ना तो सोना किसी कौम को ताकतवर बनाता है, ना ही ये possessions, ये हमारे पास जो अपना दुनिया की चीजें हैं, ये किसी कौम को ताकतवर बना सकती हैं। ताकतवर अगर कोई चीज बनाती है वो सिर्फ और सिर्फ ये high spirits हैं, ये moral values हैं, जिसके साथ इंसान ताकतवर बन सकता है, कौमें ताकतवर बन सकती हैं, जिंदा रह सकती हैं। Yes, sir.